हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है अत्या और अलीना की मस्ती के दुनिया में। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें मैं गाड़ी का सारा डिटेल्स आपको मिस्टर सर्वर के थ्रू दिलवाऊंगी। तो अभी देखिए, फिलहाल अभी गाड़ी की सफाई हो रही है क्योंकि गर्दा इतना ज़्यादा, और अगल बगल में पूरा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा धूल पड़ जाता है, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है। सबको अपनी गाड़ी साफ चाहिए होती है, और बॉयज़ लोग को तो ये कुछ ज़्यादा ही। तो फिर चलिए मिस्टर सर्वर, अब आपको बाकी का डिटेल्स बताएंगे। और हाँ, मैंने भी गाड़ी साफ़ किया है। क्या है ना, हेलो, मैंने गाड़ी साफ किया है कि नहीं? हाँ, आपने थोड़ा सा किया है। झूठ, सिर्फ पीछे का बोनेट अभी बाकी है पूरा, और इससे पहले भी वरना भी मैंने कई बार धोया था। धोए थे कि नहीं? हाँ ठीक है, धोए तो बैठती भी बैठता था। चलिए अब आप बताइए। क्या बताऊँ, गाड़ी की डिटेल्स। गाड़ी की डिटेल्स पहले बात बताइए, आपको होंडा सिटी और वरना में क्या डिफरेंस है? होंडा सिटी थोड़ा लग्जरियस है वरना से ज़्यादा, और इसका चलाने का कंफर्ट थोड़ा अलग है वरना से। वरना में इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा है। और बाकी फिर उसके बाद अंदर का स्पेस वगैरह तो सब आप लोग देख चुके हैं कि नहीं? हाँ। और बताइए माइलेज वगैरह बताइए। माइलेज गाड़ी का कम है, 10 का माइलेज है मुश्किल से टाउन के अंदर में, और हाईवे पे तो अभी गए नहीं इसलिए पता नहीं क्या है इसका, जाने के बाद पता चलेगा। तो आपने सेकंड हैंड गाड़ी क्यों खरीदा? सेकंड हैंड गाड़ी में सबसे पहला चीज़ है कि पैसा कम लगता है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सेकंड हैंड गाड़ी ढंग का देख के खरीद सकते हैं, आपको काफ़ी पैसा बचेगा, आपके बजट में महंगी से महंगी गाड़ी भी आ जाएगी। ये चीज़ है। अब मेन रीज़न तो ये भी तो बताओ कि हर 2-3 साल के बाद तो गाड़ी बदलना ही होता है। हाँ, 3 साल के बाद गाड़ी बदल देना होता है तो उसमें झटका ज़्यादा लगता है। 30,000 से 40,000 किलोमीटर चला के गाड़ी चेंज कर देना होता है तो उसमें बेचने में ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो नई गाड़ी लेके 3 साल चला के बेचने में ज़्यादा डबल नो लॉस हो जाता, आधा के लगभग दाम मिलता है सर। और कुछ बताना चाहेंगे अपने गाड़ी के बारे में? अपनी गाड़ी के बारे में भी ज़्यादा तो नहीं समझ पाए हैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये ऑटोमेटिक है? हाँ, ये ऑटोमेटिक है, CVT में आता है, होंडा सिटी ऑटोमेटिक, तो परफॉर्मेंस तो अच्छा है। और ये गाड़ी कितना चला हुआ था? ये गाड़ी 23,000 समथिंग। ओके, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश थी, साफ गाड़ी, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, कहीं पे डस्ट किया हुआ नहीं है, गाड़ी ठीक है। हो गया, बता दिया आपने। था इन्फॉर्मेशन मिस्टर सर्वर के थ्रू गाड़ी के बारे में, और अगर आपको कुछ और क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं वो मिस्टर सर्वर आपको उसको आंसर दे देंगे। तब तक के लिए मतलब कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।